हमीरपुर शिमला उच्च मार्ग पर जिला बिलासपुर के ब्रह्मपुकर से लेकर नमोल राजघाटी तक टायरिंग उखड़ने से खस्ता हाल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 4 माह पूर्व ही इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर टायरिंग का कार्य NHAI ने एक निजी फर्म से करवाया था। टायरिंग का कार्य समाप्त होने के कुछ समय उपरांत ही सड़क में तारकोल उखड़ने लगी थी, जिस कारण वर्तमान समय में सड़क में कई जगह खाइयां और गड्ढे पड़ चुके हैं। स्थानीय लोगों के अलावा शिमला से मनाली व धर्मशाला की ओर आवागमन करने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। खराब सड़क के चलते नमोल व ब्रह्मपुत्र आदि स्थानों पर सड़क से धूल उड़ने के कारण अपने घरों व दुकानों में लोगों का बैठना भी मुश्किल हो गया है। इसके अलावा सड़क की खराब दशा के चलते कई बार दुर्घटनाएं घटित भी हो चुकी हैं, जिसका शासन व प्रशासन को कोई सरोकार नहीं है। स्थानीय जनता ने आरोप लगाया कि जब इस राजमार्ग पर टायरिंग का कार्य हुआ था तो संबंधित विभाग NHAI के उत्तरदायी उच्च अधिकारियों ने टायरिंग कार्य में गुणवत्ता का ध्यान क्यों नहीं रखा। इस प्रश्न उन्होंने कहा कि इससे ये प्रश्न पैदा होता है कि जब टायरिंग करवाने के लिए कुछ समय के उपरांत ही सड़क से वे उखड़ गई तो ऐसी स्थिति में टायरिंग के कार्य के लिए अधिकृत निजी फर्म को करोड़ों रुपए की राशि की धन की अदायगी किस आधार पर की गई। ब्रह्मपुत्र से लेकर नमोल राजघाटी के स्थानीय जनता ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि शीघ्र इस महत्वपूर्ण राजमार्ग की दशा सुधारी जाए, ताकि स्थानीय जनता व इस राजमार्ग से आवागमन करने वाले पर्यटकों को और परेशानी का सामना न करना पड़े। बिलासपुर में स्थित उत्तरी भारत का सबसे प्रथम साइंस स्पोर्ट्स हॉस्टल केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया अभियान में परिवर्तित किया। इस बात का खुलासा उस दौरान हुआ जब मीडिया कर्मी साई हॉस्टल बिलासपुर के प्रभारी जयपाल चंदेल से पत्रकार वार्ता में बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स हॉस्टल में वर्ष 1985 से लेकर वर्तमान समय तक 3 खेलों कबड्डी वॉलीबॉल और बॉक्सिंग खेल का खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, मगर इस बार मात्र 2 खेलों बॉक्सिंग और कबड्डी की ही चंडीगढ़ खेल केंद्र से स्वीकृति आई है। उन्होंने कहा कि टेलीफोनिकली अधिकारियों को वॉलीबॉल के खिलाड़ियों को जम्मू में स्थित स्पोर्ट्स हॉस्टल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया आरंभ करने के आदेश मिले हैं। उन्होंने बताया कि इस खेल हॉस्टल का दर्जा अब खेलो इंडिया अभियान के अंतर्गत स्टेट लेवल का होगा, जो स्वीकृति उन्हें प्राप्त चंडीगढ़ खेल केंद्र से प्राप्त हुई है। उसमें कबड्डी के 25 जबकि बॉक्सिंग के 20 खिलाड़ियों की सीटें प्रशिक्षण के लिए भरने के आदेश प्राप्त हुआ है। प्रभारी जयपाल चंदेल ने बताया कि उनकी अगर कोई संस्था या स्थानीय जनप्रतिनिधि वॉलीबॉल खेल का उच्च स्तर का प्रशिक्षक उपलब्ध करवाने की बात लिखित रूप से स्वीकार करती है तो इसे वे चंडीगढ़ केंद्र को स्वीकृति के लिए प्रेषित करेंगे, जिस पर चंडीगढ़ केंद्र के प्रभारी सकारात्मक कदम उठाने में सक्षम हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ प्रशिक्षक बाहरी राज्यों में साई खेल संस्था में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बिलासपुर में उनकी भी सेवाएं ली जा सकती हैं, मगर ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने ये भी बताया कि इस स्पोर्ट्स हॉस्टल से अनेक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम रोशन कर चुके हैं, जिसका उन्हें गर्व है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में आज प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय में श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती उपस्थित हुए और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान काफी मात्रा में बीजेपी से जुड़े हुए लोगों ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष द्वारा उनके जीवन और उनके साथ बिताए हुए पल को याद किया। सत्ती ने कहा कि वाजपेयी की मेहनत के कारण आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर हिमाचल सरकार ने उनकी स्मृति में शिमला के माल रोड पर उनका स्टैच्यू लगाने की घोषणा की है, जबकि ऊना में दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने वाजपेयी के दूसरे निवास स्थान कुल्लू के प्रीणी गांव में भी उनकी एक प्रतिमा लगाने का ऐलान किया है। सती ने कुल्लू में वाजपेयी
द्वारा घर बनाए जाने का जिक्र करते हुए उनके द्वारा प्रदेश के लिए विशेष लगाव की बात कही। उन्होंने अटल जी के प्रकृति कविता प्रेम की भी चर्चा करते हुए उनके पत्रकारिता के समय को भी याद किया। सत्य ने उनकी कविताओं को आज भी साहित्य जगत में कवियों द्वारा गाए जाने की बात कही। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रथम पुण्यतिथि पर सीएम के गृह जिला मंडी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। सदर भाजपा मंडल की ओर से सर्किट हाउस मंडी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए और उन्हें याद कर नमन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके बताए मार्गों पर चलने का प्रण लिया। सदर भाजपा मंडलाध्यक्ष मनीष कपूर ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी व उनके द्वारा किए गए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता है। राष्ट्र के लिए समर्पित अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए हिमाचल को कई सौगातें दी हैं। उनके मार्गदर्शन में हिमाचल व देश ने एक नई दिशा हासिल की थी। उन्होंने बताया कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने बताया कि अटल के सिद्धांतों पर चलकर ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते थे और मनाली के प्रीणी में उनका घर भी है, जहां आज भी उनकी स्मृतियां हैं, जिन्हें देखकर स्थानीय ग्रामीण उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कई मंचों से सार्वजनिक तौर पर हिमाचल प्रेम जाहिर करते हुए कई तोहफे भी दिए थे। SFI DYFI के नेतृत्व में मंडी कॉलेज के छात्रों ने बसें न रोकने पर गलमा में चक्का जाम पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए SFI जिला सचिव रोहित ठाकुर ने कहा कि गलमा क्षेत्र से बहुत सारे छात्र मंडी महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं और सभी छात्रों ने बस पास बनाए हैं। सभी घर से रोज सफर करते हैं। इस रूट पर सरका घाट डिपो की बस 8:45 पर गलमा से गुजरती है, मगर ये बस नहीं रोकी जाती है, जिस कारण छात्र रोज कॉलेज में देरी से पहुंचते हैं, जिससे कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मजबूरन इन छात्रों को निजी बस में जाना पड़ता है, जिसमें कि बस पास लागू नहीं होता है और छात्रों को रोज अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त को हमने इसी मांग को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक मंडी को ज्ञापन सौंपा था और उसके बाद भी कई बार हम बस लगाने के लिए बोलते रहे, मगर उन्हें झूठे आश्वासन दिए, जिस कारण हमने मजबूर होकर ये चक्का जाम किया है। वहीं छात्रा ऐश्वर्या का कहना है कि हमारे लिए बस का प्रावधान किया जाए, ताकि हमें कॉलेज पहुंचने में परेशानी ना हो और हमारी पढ़ाई भी प्रभावित ना हो। वहीं मौके पर प्रशासनिक अधिकारी आए थे और हमने उनसे लिखित मांग की थी और उन्होंने हमें लिखित तौर पर आश्वासन दिया है, इसके बावजूद भी अगर बस नहीं लगाई गई तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे। चक्का जाम के दौरान ऐश्वर्या शर्मा, प्रियंका ठाकुर, कुलदीप हितेश, भूपेंद्र राव, दुष्यंत कुमार, ऐश्वर्या ठाकुर, तरुण, सपना, प्रियंका शर्मा, रोहित, अनिल, संतोष मौजूद रहे।